ഞാൻ വളരെ നന്നായി പോകുന്നു, എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം. And sometimes when we see certain servants of God, they are shining like stars, they are good preachers, they are able, and I think they are very well what you call settled. ചില സമയങ്ങളിൽ ചില പ്രസംഗകരെ അവർ നന്നായി പ്രശോഭിക്കുന്നതായി, നന്നായി പ്രസംഗിക്കുന്നതായി, ശുശ്രൂഷയെ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായി, വളരെ വളരെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട സ്ഥാപിതമായ ഒരു നിലപാട് അവർക്കുള്ളതായി നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. But suddenly you hear they are no more. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ ഇല്ല. And why? എന്തുകൊണ്ട്? They were so what they call effective preachers. യോ, വളരെ നല്ല പ്രയോജനമുള്ള പ്രസംഗകനായിരുന്നല്ലോ. During Pastor Paul's time there were 3 important preachers were there. പാസ്റ്റർ പോളിന്റെ കാലത്ത് 3 പ്രധാന പ്രസംഗിമാരുണ്ടായിരുന്നു. One person prayed 40 days. ഒരാൾ 40 ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു. And the Lord asked, what do you want? കർത്താവ് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? Lord, I want a gift to preach well. കർത്താവ് നന്നായി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള വരം എനിക്ക് തരണം. And the Lord gave that gift. കർത്താവ് എനിക്ക് ആ വരം കൊടുത്തു. Whenever that pastor get up and preach, people used to say angel. എപ്പോഴൊക്കെ ആ പാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചാലും ജനം അത്ഭുതത്തോട് പറയുമായിരുന്നു, ഒരു ദൈവദൂതൻ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിച്ചത്. 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാസ്റ്റേഴ്സ്, 3 പ്രധാന പാസ്റ്റർമാർ. But it so happened they could not stand in the faith. എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ തുടർന്ന് നിലനിൽക്കാനായില്ലെന്ന് ദുഃഖസത്യമാണ്. So people began to wonder why after coming so high they failed. ഇത്രയേറെ പ്രശോഭിച്ച് വളരെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവർ തോറ്റുപോയി എന്ന് പലരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പാസ്റ്റർ ജെ എസ് മനോഹരൻ ഫ്യൂണറൽ വീഡിയോ. First of all, we call upon Pastor I.G. John. Very blessed name is
इस समय मैं एक गवाही देने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। बस मनोहर के बारे में कई सालों से जानकारी होने पर भी उसका साथ मिलकर रहने के लिए गया चार महीने से परमेश्वर ने एक वाक्य जयपुर में बदली होकर आने के कारण मुझको भी मिला है। वो मैं मेरे देश में भी उसका साथ पहचान होने पर भी इधर आकर मिलकर सेवा करने के लिए प्रभु ने मेरे दिया मेरे जीवन के एक भाग्य होकर मैं गिना अपने परिवार के लोगों को जब छोड़कर प्रभु का घर में आया उस दिन से लेकर पिताओं के समान माताओं के समान भाई बहनों के समान बच्चों को माने परमेश्वर लोगों को समय समय पर देखकर मुझको तसल्ली देता है आश्वासन देता है अगुवाई करता है इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उसमें इस प्रिय पिता के साथ भी रहकर कई दिन अकाश कर इस साल का मैं इधर आने के बाद हम इधर रहकर कई सेवा करने के लिए प्रभु अनुग्रह दिया विशेष कर इसके लिए मुझको लायक बनाया भाग्य बनाया उसके लिए मैं प्रभु का हजारों शुक्रगुजार शुक्र करता हूँ। इसके लिए मैं कौन सा योग्य सारा दुनिया में प्रभु के नाम से प्रख्यात हुआ एक व्यक्ति मेरा पाव धोना भूलने से कितना अद्भुत बात। हम 3 महीना तो पहले इधर पाव धोने का सेवा को डर आया था और उस समय हम सब लोग एक दूसरे का पाव धोया और गरीब मेरा पाव प्रिय पास धोया। यीशु ने बोला तुम लोग एक दूसरे का पाव धोना चाहिए। यीशु अपने चेलाओं का पाव धोया और एक नमूना दिखाया। आज दुनिया में दूसरा से भी अपने को श्रेष्ठ जानते हैं मगर प्रभु के जरिए दूसरा के लिए अलीम होकर मसीह के सत्य को दुनिया को सिद्धांत स्थापित करने के अनुभव हमारे बीच में आया और पूरे कलीसिया में एक बहुत बड़ा बेदारी भी उसका कारण होने के लिए मदद किया। और पास्टर जी उस दिन में बोला मैं सेवा में इतना साल है पगले सेवा में ऐसी करते थे मगर कहीं 25 साल के बीच में ऐसे सेवा नहीं किया। पास्टर जी को भी उनकी सेवा में एक नया का अनुभव हो गया और मैं भी कभी भी बॉम्बे में रहते समय 2 बार ही सेवा देखा है किया है तो भी ऐसा मैं किया नहीं और प्रभु ने उस पवित्र संत के जरिए मेरा भाव धोकर हम आपस में प्रभु का उस वचन को पूरा कर उनका वचन को पूरा करने के लिए भाग्य दिया। मैं मेरा जीवन में एक बड़ा धन्यदार समझता हूँ। इतना बड़ा आदमी इतना हलीम होकर जीना है तो प्रभु का भरभूरी उसमें कितना होंगे। और ये रनिंग के समय में भी साथ में हम प्रार्थना चलाया और ये रनिंग के मीटिंग में मिलकर प्रभु वचन का सेवा भी पास्टर जी चलाया। प्रदेश का तरफ के भी ब्रेड अकेला जाकर देने के लिए प्रभु उनको बलवान किया। बाद में सैटरडे मीटिंग चलाया संडे आराधना भी चलाया। मैं दूसरा जगह में जाने के कारण पास्टर जी पूरा मीटिंग इधर शनिवार रविवार को भी चलाया। उसके बाद बोला मैं संडे मीटिंग के बाद मैं घर जाऊंगा और ट्रिवेंड्रम जाने का है 4 तारीख को। इस कारण पास्टर जी चले गया मगर लास्ट दिन में हम भी थोड़ा विजिटिंग के लिए बाहर गए थे और जयपुर में 10 बजे को रात को आया। जब 10 बजे पूरा दिन का यात्रा के बाद 10 बजे आया तरिंद पास्टर के जो एक फोन कॉल आया इसी मुताबिक एक समस्या में आ गया है। तुरंत उधर जाकर घर में पहुंचने के लिए परमेश्वर में मेरा पिता जी पास्टर जी गुजर पहुंच गया उस विषय मालूम होने के लिए कलीसिया परिवार को भी तसल्ली देने के लिए मदद किया। इतना एक नम्रता इतना एक दीनता और प्रभु का सच्चाई के लिए उनके साथ जीने का एक अनुभव पास्टर जी में मैं पाया और सारा दुनिया में जाकर प्रभु का सेवा करते समय में भी इतना हलीमी के साथ जीने के अनुभव प्रभु को और से उनको मिला है।
मैं चाहता हूं उस हली में मैं भी मेरा जीवन में लाकर मैं आगे के दौड़ को दौड़ने के लिए चाहता हूं। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए विनती करते हुए प्रभु का मार्ग में चलकर मेरे लिए भी रखा मोड़ पाने के लिए मैं चाहता हूं। जैसे उसने उनका दौड़ पूरा किया है, उनका सेवा के बीच में, उनका यात्रा के बीच में, कन्वेंशन के लिए प्रचार करते समय उसने जैसे प्रभु में ऑन ड्यूटी में उसने प्रभु के राज्य में प्रवेश किया, वैसे मैं भी चलते चलते प्रभु के साथ मिलना चाहता हूँ। प्रभु मेरा भी आग्रह पूरा करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें। पास्टर इमैनुएल, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். நம்மகிட்ட கடந்து போயிருக்கிறவான பாஸ்டர், என்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதர், தாத்தாவாக இருக்கிறார், என்னுடைய தரப்பினால் இவர்கள் எல்லாரும் ஒரே வீட்டில் வளர்ந்தவர்கள். நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கிற காலத்தில் விடுமுறை நாட்களில் இவருடைய வீட்டில் தான் நாங்கள் அதிக நாட்கள் போயிருப்போம். இவருடைய தகப்பனார் சிஎஸ்ஐ சபையில ரெவரண்டாக இருந்தவர். என்னுடைய தகப்பனும் இவரும் ரெண்டு பேர் மாத்திரம்தான் இந்த பெந்தகோஸ்து ஐக்கியத்திற்கு கடந்து வந்தவர்கள். இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர்கள் சிஎஸ்ஐ சபையில தான் வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதை பற்றி அடிக்கடி என்னிடத்தில் சொல்லுவார், தம்பி உன்னுடைய அப்பாவும் நானும் இந்த பெந்தகோஸ்து ஐக்கியத்துக்குள் வந்தோம், நீயும் அவனுடைய கிருபையினால அவங்க கேட்டாங்களாம் எந்தினி வேண்டியது வந்தது அப்படின்னு சொல்லி, எதற்காக வந்திருக்குது அப்படின்ட்டு உடனே பாஸ்டர் மனோகரனை பிடிச்சு கொண்டுட்டு போகிறதுக்காக இந்த சேருக்கு வந்திருக்கிறதுன்னு சொல்லி 2008 டிசம்பர் மாதம் அப்படி ஒரு சொப்பனத்தை அவர்கள் பார்த்தார்கள். நான் சொன்னேன் இப்படி உங்களை பற்றி ஒரு சொப்பனம் வந்திருக்கிறதுன்னு சொல்லி அவர் சம்மதிக்கலை. என்னுடைய ஊழியத்தை நான் முடிக்காமல் அப்படியெல்லாம் நான் போக மாட்டேன் சொல்லி அந்த காரியத்தை அவங்க ஜபத்தில் வைத்து வைத்திருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 2 வருட காலம் தேவன் அவருடைய ஊழியத்தை நல்ல முறையில் செய்கிறதுக்கு கத்தர் பலனும் சுகமும் ஆரோக்கியமும் கொடுத்துருக்கிறார். நான் வியாதிப்பட்ட போது என்னிடத்தில் சொல்லுவார், எனக்கு வயசு பாரு 80, 78, 79, 80, எனக்கு எதனால் வியாதி இருக்குதா, நீ என்ன வியாதின்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிற அப்படி ரொம்ப தைரியப்படுத்துவார். வியாதின்னு சொல்லக்கூடாது, வியாதி வரக்கூடாது, வியாதி காணப்படக்கூடாது, எனக்கு ஒரு வியாதியும் இல்லை. வயசான காலத்தில் அப்படி பிரயாணம் செய்து டூலியம் செய்ததை பார்க்கும்போ நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். கத்தர் அந்த அளவுக்கு சுகமும் பலனும் ஆரோக்கியத்தையும் நல்ல முறையில் கொடுத்து இந்த ஊழியத்தில் இதுவரைக்கும் அவங்களோட ஆசீர்வாதமாகவே வைத்திருந்தான். இந்த புதிய வருடம் பிறந்த சமயம் நான் எப்பொழுதும் ஜெபித்துக் கொள்வேன், எனக்கு வாங்கத்த தவசங்களை தருவார். இந்த தடவை அதே போல் கூப்பிடும் போது ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃபில் இருந்தது. பிறகு 2ஆம் தேதி மறுபடியும் ஃபோன் செய்தேன். ஃபோன் செய்த போ கேட்டார், என்ன ஏ விசேஷமானார், இல்லை ஜெபிக்கிறதுக்காகத்தான் நான் ஃபோன் செய்தேன் அப்படின்னு. இப்போ ஜெய்ப்பூரில் கால ஆராதனைக்காக நான் ஆயத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறேன், அதனால் இப்போ கூப்பிடாத ராத்திரி கூப்பிடு அப்படின்றார். அடுத்த நாள் ராத்திரி கூப்பிட முடியல, அடுத்த நாள் திங்கட்கிழமை ராத்திரி கூப்பிட்டேன். ஒரு விதமாக கஷ்டப்பட்டேன், மூச்சு எத்தனை நல்லா இருந்தது, எனக்கு பேச முடியல, உனக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஃபோனில் ஒரு 10 நிமிடத்துக்கு மேலாக எனக்கு ஜெபித்து விட்டேன். ஜெபித்த பிறகு என்ன செய்யணும்னு கேட்கறதுக்குள்ள ஃபோன் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. பிறகு அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம மெதுவாக பேசிக்கொள்ள தான் என்று கேட்டப்போ எனக்கு வந்த செய்தி அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு அந்த வேதனைப்பட்டேன். 81 வருட ஜீவிக்க கத்தர் பலன் கொடுத்தார். இவர் போன பாதை, இவர் பின்பற்றின அந்த கீழ்ப்படிதல், அந்த விசுவாசம், அந்த ஜப வாழ்க்கையை தேவன் எனக்கு தந்து என்னுடைய ஜீவிதத்தையும் உடையத்தையும் வெற்றிகரமாக ஓடி முடிக்க நீங்கள் யாருடைய மக்களுக்காக ஜீவிக்க முடியும். இந்த வாய்ப்பினை தந்த பரிசுத்தவான்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்தி இந்த சாட்சியை முடிக்கிறேன். கத்தருக்கு சொல்றேன். Thank God for the chance
God and the saints again meet to say a few words about my pastor Manoharan. My personal attachment with him was for the last 30 years. And somehow I have so much to say about him, but for today I just mention only three things which were much impressed. One, he was a highly principled person. Whether right or wrong, or whether people agree with him or no, he never used to regret, nor used to compromise with anybody under any circumstance in anything. And I was much impressed by that. Second one, the manner which he used to pray. He never used to pray like as we pray, but he used to always converse with God, as if one of his friends is seated by him and he is just talking to him. And I was much impressed by that manner of prayer. Though I couldn't practice it, I think at least after his death, God may give me grace to practice it in my life. Third one, he never used to keep bitterness or revenge towards anyone. One instance, few years back in Jaipur, there was a particular brother, and he was also almost like Pastor Manoharan. He also never used to alter or change or regret for any of his personal principles. In a particular matter in the church regarding a particular believer, both had difference of opinion. Neither that brother could agree with Pastor Manoharan, nor Pastor Manoharan would agree with that brother. So that brother, because of his age or young age, he became so furious and he wrote a long letter to Pastor Manoharan, which I also had to go through. He used certain harsh words in that. And he showed me the letter. And the next time when he came to Delhi, I thought that Pastor Manoharan never turned his face towards that brother. But he voluntarily went close to him, shook hands with him and said, "Thambi, how are you?" "Are you okay, man? It seems that you are very much pulled down." I was just standing close by. How can an ordinary person, a human being, behave like this? I was very much impressed by that attitude. In my personal life also, there were times when certain things, in the heart I never used to agree with him. But still, he never used to bother. He knew it, but he never used to bother. And he always used to show a kind of great love and regard for me. And the fourth one is, in my personal life, he was an advocate to me. From the initial days of ministry, in my zeal or in my carelessness or in my foolishness, I used to commit a lot of blunders. And he was the one who always used to come in my rescue. Whether to talk for me or talk on my behalf to the saints or to God, he always behaved like an advocate. Whether he gets succeed in the case or no, that he never used to bother, but he'll fight. And he said, "Tommy, I have told the Lord and I have fought for you. I struggled it for you in my prayer. And don't worry, he'll never let you down. He'll encourage you personally." And there were times he used to write to the pastor, chief pastor of the house, "Joyce and the man of that time, I know him personally. This and that." And he used to write. Sometimes he may not succeed. I may have to go through a privation or some struggle or some problems. But I used to be very thankful to him because at least he had a nature of interceding for his workers. So personally, it's a great loss for me that hereafter I will be losing one of my close advocates, my personal advocate. And I wish that God will raise up some other saints and I will do it continuously. And the last one is, whether me or any other worker, brothers or sisters or any believers, he was a source of great inspiration. And at the time of discouragement, at the time of their fall, at the time of their hardships, any other financial problems, he always used to be in the forefront to extend the helping hand. Whether in prayers, or in financial aid, or in counseling, and other things, he always used to be in the forefront. And there are many more things. May I stop it because I don't want to take much time. And these are the things which impressed me so much. And at least after his demise, I dedicate myself so that whatever good things I learned from him, God must give me enough grace to practice in my life and be a source of blessing for other people. Once again, praise the Lord and thank you. Pastor Paul Gatch. After that, Mother. Namaste, Dev Tarif, Parmeshwar. This is Sundar Sabha. This time, I will Parmeshwar Ji's Adhyat Karta. When I was in Delhi Sunday, 1989, तब से पास्टर जी के बारे में जानकारी पाने का सौभाग्य मिला. कई बार कन्वेंशन में बाकी समय में उनसे बातें करता था, मिलता था. लेकिन 94 में जब वो कोटा में सेवा किया था, तब कन्वेंशन चलाया, तब पास्टर जी ने आया. पास्टर जी आके उसी दिन पहला दिन में रात में लेट होगा, लेट गया. देखिए, दुआ करते करते सुबह 4 बजे होगा, ये थोड़ा आत्मा घर का चस्तुति के मेरे कंधे के शाख को मन लगा. मैं फटाफट में भी उठ गया. परमेश्वर के नाम का तार
वहां भी आके कई बातें में तस्वीर दिया, कई बातें मदद किया, उसका कन्वेंशन भी आशीष का कारण बनाया, परमेश्वर के नाम पर तारीफ। उसके बाद भी कई सालों से उसके साथ बात करने के लिए रहने के सौभाग्य मिला, लेकिन खास करके जब मैं उनसे जयपुर में सेवा करने के लिए आया था तब से उनके साथ ज्यादा रहने के लिए, बात करने के लिए और कई बातों को सीखने के लिए परमेश्वर मदद किया, उसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का नाम पर तारीफ। उसमें से एक हमेशा चलाने वाला लोगों को बातों को मानना, मैं भी सोचा था उनका तो इतना उम्र हो गया सेवा में भी सीनियर पास्टर, लेकिन चलाने वाला लोगों को चीफ पास्टर जो बोलते हैं उसके एकदम मानना, वो जो लोग जैसे सेवा बोलते जैसे बताते उसके मुताबिक करना। जब इनका पैर में भी भयंकर घाव हो गया, ऊंट हो गया, बहुत तकलीफ में था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ शादी करने के लिए भी यहाँ मैं जाऊँगा वो शादी भी करवा दूंगा, परमेश्वर के नाम का तारीफ। उसके बाद उस साल में भी प्रभु भोज में भी प्रभु भोज देने के लिए परमेश्वर उनका सहायता किया था, परमेश्वर के नाम का तारीफ। और इतना नहीं उनका अंदर इतना हलीम नम्रता था, उनका सामने में कुछ भी नहीं था, वो इतना बड़ा उम्र वाला है फिर भी वो जो भी सेवा आई है वो अमरात में दे देते थे। आपका उनका बेटी भी क्या घर का नींव डालना था तब भी हमको बुलवा के वो वेट कर रहा था, मैं भी जाने के लिए थोड़ा लेट हो गया फिर भी वो वेट किया आगे, तभी तू कर लो तू करना सर बोल के वो चुपचाप बैठ गया, परमेश्वर के नाम को तारीफ। इसी प्रकार कई बातों में इनका अलीम, इनका अलीम कैसे प्रभु का स्वभाव को यह प्रकट किया, परमेश्वर के नाम को तारीफ। इतना नहीं है, जैसे हम सब जानते हैं प्रार्थना में वो बहुत समय बिताता था, वो कहता था हमेशा कलिशिया में, इन दिनों पिछले दिनों में आखिरी दिनों में कलिशिया में हमेशा संदेश देता था, अरे एक विश्वासी कैसे भी रात में एक घंटा प्रार्थना करना, अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु का आगमन के तैयार हो नहीं सकते, परमेश्वर का नाम पता। इतना नहीं ये कैरी मीटिंग की बातें भी बहुत काशी दिया था, वो कई बार शरीर में भी थकावट कष्ट हो जाते हैं फिर भी उन्हें कैसे भी डेयरी मीटिंग में आ जाता, मैं डेयरी मीटिंग मिस नहीं करूंगा, इसी प्रकार कलिशिया में भी हमेशा बताता था डेयरी मीटिंग कोई भी मिस नहीं करना, अगर डेयरी मीटिंग मिस करने वाला भी परमेश्वर राज्य के लिए प्रभु का आगमन के लिए तैयार हो नहीं सकते, परमेश्वर का नाम पता। इतना नहीं ये जो भी बात है जो बोलने वाला बातों को सही से सीधा सामने बोल देता था, परमेश्वर के नाम का तार। इसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे लिए भी एक अच्छा पिता को मान दी भी, एक अच्छा दोस्त को मान दी भी, परमेश्वर ने इसी पास्टर जी के साथ तकरीबन 3.5 साल इसी जयपुर में सेवा करने के लिए सहायता किया था। എന്നെ കുറിച്ചുള്ള തിരിഹിതം എന്താണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവുക. അപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഞാൻ അറിയത്തില്ല, കൂടുതലുള്ള ലാംഗ്വേജ് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവെ വേണ്ടി ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു. കർത്താവ് എന്നെ കൂടി തനിയെ ആ ദേശത്ത് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൃപ മകൾക്ക് മതി, എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനോട് കൂടെ എന്റെ മാതാപിതാക്കള് ദൈവഭയത്തിൽ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയെന്നാല് എന്റെ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ശിക്ഷണത്തിൽ ദൈവഭയത്തിൽ വളർന്നതിനാല് ചെറുപ്രായത്തിലെ ഞാൻ ഒരു ശിഖാവിഷയം പ്രാപ്തിയും എനിക്ക് സഹായിച്ചു. ചെറുപ്രായത്തിലെ സ്നാനം എടുക്കുന്നതിനും ദൈവം എനിക്ക് കൃപ ചെയ്തു. അതിനുശേഷമായിട്ടാണ് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കർത്താവിന്റെ വേറൊക്കെ വചനം പഠിക്കുവാനാണ് ഞാൻ പോയത്. ആ സ്ഥാനത്തും അവിടെ പാട്ടുകളെല്ലാം നേരുമകളെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. എന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് ഹയർ പഠിക്കണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവരോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു, അവര് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല് കർത്താവ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, വീണ്ടും കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു കർത്താവ് ഒത്തിരി വരുന്നതായിരുന്നു. ആ ദൈവനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളില് എന്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നതായിരുന്നു.
Stephen, Sister Jesse, and all the co-workers in Australia, New Zealand, and Fiji. We heard about the home call of our beloved Pastor Manohan, who had gone to be with the Lord, whom he loved and served. His departure, though a great loss to the mission, is a gain to heaven. His sermons and Bible studies were inspiring and edifying. He showed fatherly love and was a source of comfort and encouragement to many. We praise and thank God for his fragrant life and ministry. May the Lord raise up many faithful servants of God to fill up the gap. From Uravitsan Chandi and co-workers and believers of Bahrain Assembly, Pastor Manohan was my spiritual father. He fulfilled his ministry victoriously. Heaven is rejoicing. His life and ministry were an example to everyone. May the Lord raise up servants of God in his care. From Pastor Ashok Kumar Lal, Mother Vijayarani, and all workers and believers from Nepal Center. Home call of Pastor Manohan was shocking news for us. Every language people will remember all his convincing messages in days to come. Though his departure is a great loss for us, it is a great gain for heaven. On behalf of all the workers and believers, we condole the demise of our beloved pastor. May the Lord raise many more consecrated workers. From Pastor Dravya Raj and all workers and believers in Andaman Center. The separation of
Pastor J.S. Manohar is a great loss for the ministry, but a great gain to heaven. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Message from Pastor David Nyanraj and co-workers from Dimapur Center. Shocked to hear the sudden home call of Pastor J.S. Manohar. Personally, was a real father to me. God gave me a chance to talk to him on the previous day of his departure and receive a last blessing from him. We all center workers in the center are sending our heartfelt condolences to all the workers.